नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं खबरी लाल। सारा अली खान अपने फैशन के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। एक्ट्रेस अपनी ज्यादातर फिल्मों में ग्लैमरस अवतार में नजर आती हैं, लेकिन जल्द ही अब वो एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आएंगी। सारा अली खान ने हाल ही में अपडेट दी थी कि ए वतन मेरे वतन की शूटिंग पूरी हो चुकी है, वहीं अब फिल्म अपनी रिलीज की ओर बढ़ रही है। इसी बीच इफ्फी मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में एक्ट्रेस ने ए वतन मेरे वतन का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर भी स्टेज पर मौजूद रहे। इवेंट का वीडियो एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर किया है। सारा अली खान फिल्म के अनाउंसमेंट से ही ए वतन मेरे वतन को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है फिल्म में उनका लुक। ए वतन मेरे वतन के मोशन पिक्चर में एक्ट्रेस अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। सारा सफेद रंग की खादी साड़ी पहने हुए, माथे पर बिंदी लगाए हुए सारा अली खान का ये लुक सबका ध्यान खींचने वाला है। ए वतन मेरे वतन का मोशन पोस्टर रिलीज करने के साथ सारा अली खान ने कैप्शन में लिखा है, आजाद आवाजें कभी कैद नहीं होती। मैं उस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर रही हूं जो मेरे दिल के बेहद करीब है, जिसे लेकर मुझे लगता है कि इसे बताने की जरूरत है और इस फिल्म का हिस्सा रहकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। आपको बता दे, ए वतन मेरे वतन धर्मेटिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है, जिसे करण जौहर और अपूर्व मेहता ने प्रोड्यूस किया है, जबकि को प्रोड्यूसर सोमेन मिश्रा है। फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है। ए वतन मेरे वतन सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक थ्रिलर ड्रामा है। फिल्म में सारा अली खान फ्रीडम फाइटर के किरदार में नजर आएंगी। ए वतन मेरे वतन की कहानी दरब फारूकी और कन्नर अय्यर ने लिखी है। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी, लेकिन अभी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है। आप देख रहे थे खबरी लाल, मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।